इससे डिफाइंड मत करो कि लोग आपको क्या कह रहे हैं कि आपकी बैक लग गई या आप पढ़ाई में कमजोर हो, ये वो नहीं बता सकते और डिग्री से वो खुद नहीं डिफाइन कर पाते कि ये बच्चा तेज है या कमजोर है। अब कौन जाके चेक कर रहा है कि उन्होंने 5 साल में किया या 6 साल में किया है। कई बार आपसे इंटरव्यू के टाइम पूछा जाएगा आपको 3D बनाना आता है और आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप बोल दोगे हाँ बेसिक्स तो आते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं जिनके ऊपर जनरली मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स या मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स कभी बात नहीं करते और वो है बैक बेंचर्स। अक्सर देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर कर रहे हो, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, या आप बैचलर इन आर्किटेक्चर कर रहे हो, बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, या कोई अदर कोर्सेज भी आप कर रहे हो, पर मैं बात कर रहा हूँ हमारे ही कम्युनिटी से, इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि है AEC इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है जो फेल हो जाते हैं, किसी भी रीजन से फेल हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 1 साल बढ़ जाता है या आपका 1 सेमेस्टर बढ़ गया और आप 3 साल का कोर्स, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं 3 साल का, तो आपको 4 साल करना पड़ जाता है, या फिर अगर आप 5 साल का BR कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि 6 साल या 7 साल या 8 साल का पड़ जाए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 4 साल की जगह आपका 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 7 साल हो जाए, मतलब किसी में भी जो मैक्सिमम टाइम ईयर जो है वो एक्स्ट्रा 3 ईयर्स दिया जाता है किसी भी कोर्स में। अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो एक्स्ट्रा 3 ईयर्स का टाइम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है पास करने के लिए। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार क्या है, फेल हो जाते हैं। अब ऐसी चीज़ों पर जनरली कोई वीडियो नहीं होती कि आगे क्या डायरेक्शन है, और ऐसे स्टूडेंट्स दो चीज़ का डिसीजन लेते हैं, या तो डिप्रेस्ड होते हैं या फिर उनका पढ़ाई से मन हट जाता है, क्योंकि जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं या पढ़ाई की तरफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि तुम तो बेकार हो, तुम तो फेल हुए हो, तुम पढ़ाई का सोचो भी मत और ज़्यादा देखो भी मत, कोई भी दूसरा ऐरा गहरा काम कर लो, अगर करना है तो पढ़ाई से थोड़ा दूर ही रहो। तो ऐसे बच्चे जनरली डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो दो डिसीजन ले लिया, या तो डिप्रेस हो जाओ या पढ़ाई को ही भूल जाओ। तो कई बार होता भी है, अगर आप डिप्लोमा में ले लो या बैचलर में ले लो, तो कई बार क्या है, अंडर कॉन्फिडेंस सिचुएशन जो है वो अंदर ही आपके मन में बैठ जाती है। और ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं, कई बार मैं खुद कैटर नहीं करता ऐसे कमेंट्स को, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि भैया मैं फेल हो गया सर, मैं फेल हो गया सर, मैं इसमें मेरी री लग गई, उसमें मेरी बैक लग गई, इसमें मेरा कंपार्टमेंट लग गया, मैं क्या करूं। द ओनली वन एन आंसर, बहुत हार्ड और बहुत हार्श बट एकदम प्रैक्टिकल आंसर दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप कभी भी इससे डिफाइंड मत करो कि लोग आपको क्या कह रहे हैं कि आपकी बैक लग गई या आप पढ़ाई में कमजोर हो, ये वो नहीं बता सकते, इसलिए वो बोलेंगे। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद वैसा स्टूडेंट रहा हूँ कि मेरे हमेशा 10th में 50 से 60 से ऊपर नहीं आए, मेरे 10th में 54%, 12th में 54%, और उसके बाद जब मेरा दिमाग ग्रो किया, जब मैंने 3 कोर्सेज को चेंज किया एक एक साल करने के बाद, सिविल इंजीनियरिंग, मास कॉम, उसके बाद फिर मैंने किया एनिमेशन, एक एक साल तीनों को दिया, तीनों के कोर्सेज की फीस भरे, तीनों को छोड़ा, उसके बाद आर्किटेक्चर में आया, आई नो द एग्जैक्ट वैल्यू, आई नो मलाई नीचे की खुरचन, वो पतीले की नीचे की खुरचन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने 3 कोर्स चेंज किए, मुझे पता है कौन सा निश कैसा है, कैसे स्टूडेंट को दिया जाता है, कैसे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना होता है, कैसे आपको लीगल वर्क करने होते हैं, ये सब मुझे पता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, हाईटेक या फिर टेक इंडस्ट्री जो है उसकी तरह कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, मिनिमल ऑर्गेनाइज्ड है, रेगुलेटरी बॉडी भी कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, जैसे कि आप देखते होंगे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त धोखा हो गया, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड नहीं है। वैसे ही आर्किटेक्ट को भी आप देखते होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान घर जो है वो आर्किटेक्ट से बनवाए, क्या आपके पेरेंट्स ने घर आर्किटेक्ट से बनवाया होगा, नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है। सो इसमें है क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि उनकी डिप्लोमा में कम परसेंटेज आई है या बैक लग गई है, तो वो बस अपने रिज्यूमे में या CV में इतना लिख देते हैं कि मैंने डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप कंप्लीट की थी 2012 में, 2016 में, 2019 में, वो परसेंटेज लिखते ही नहीं है, वो मार्क्स लिखते ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो डिप्लोमा या बैचलर कर लेते हैं और उन्होंने 1 साल उनकी बैक लगी होती है, तो वो सिंपल सा क्या लिखते हैं, मतलब वहीं पर ही कुछ दूसरे बच्चे जो होते हैं वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि उन्होंने जो है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया है, 5 साल में किया है। अब कौन जाके चेक कर रहा है कि उन्होंने 5 साल में किया है या 6 साल में किया है। तो मैं आपकी नॉलेज देखूंगा, आपका एक बार देख लिया, हाँ आपने आर्किटेक्चर कर रखा है, आपकी नॉलेज देखा और नॉलेज देख के आपको जॉब दे दूंगा ऑन द स्पॉट। प्रैक्टिकल लाइफ यही कहता है, रियलिटी यही है। कोई भी आपसे ये नहीं पूछता कि आपकी फर्स्ट क्लास में कितनी परसेंटेज आई थी और आप कितनी बार में क्लियर किया था आपने, 2 बार में, 3 बार में, कितनी बार आप फर्स्ट क्लास में फेल हुए थे,
वो बस आपसे सिंपल सा इतना पूछते हैं, 2 × 2 कितना होता है? आप बोलोगे 4, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको फर्स्ट क्लास वाली नॉलेज है। वही सेम चीज़ आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में होती है। वो आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऑटोकैड चलाना आता है? आप बोलेंगे आता है, ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया हाँ आपने बीटेक कर रखा था। थोड़ी मैनिपुलेशन चलती है, इसे गुड प्रैक्टिस में इंक्लूड किया जाता है। गुड प्रैक्टिस में कैसे होती है? गुड प्रैक्टिस में आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कोई भी आटा लेते हैं, कोई भी ब्रेड लेते हैं, उसमें लिखा रहता है 100% वीट लगा के वो मार्केटिंग करते हैं। सो उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती, कोई केस क्यों नहीं होता? क्योंकि इट्स 100% वीट। उनके कहने का टैक्टिस देखो क्या है। 100% वीट का मतलब ये है कि जब आप पूरे ब्रेड को देखोगे ना, कि ब्रेड बनाया कैसे जाता है, जो ब्रेड की स्लाइसेस होती है वो कैसे बनाई जाती है, उसमें आप देखोगे कि ओनली 60% ही आटा, गेहूं जो है वो मिलाया जाता है, 60% ही गेहूं होता है, बाकी जो है वो इमल्सीफायर होता है, एडिबल ऑयल होते हैं और जितने भी केमिकल्स होते हैं ना वो सब होते हैं। तो अब कोई उनसे पूछेगा कि आपने 100% वीट क्यों लिखा है, तो वो आंसर ये देंगे कि वो जो 60% जो मैंने गेहूं डाला है ना, वो 100% शुद्ध है। मतलब 60% जो गेहूं डाला है उस ब्रेड को बनाने के लिए, वो 100% शुद्ध है। और उसको वो मार्केटिंग कैसे करते हैं? ऐसे लगता है हमें कि 100% गेहूं से बना हुआ है ये पूरा की पूरा ब्रेड। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, और जिसे गुड प्रैक्टिस में काउंट किया जाता है। जैसे कि मैं यूट्यूब पे थंबनेल डालूं और मैं कुछ ऐसा लिख दूं, अरे वाह आई क्विट द आर्किटेक्चर, तो क्या होता है, YouTube हमें खुद रेफर करता है और बोलता है कि आपको कैची लाइंस डालनी है ताकि लोग आपके थंबनेल पे क्लिक करें। जब आप कोई YouTube की वीडियोस देखते हो तो सबसे पहले आप थंबनेल पढ़ते हो, बाद में टाइटल पढ़ते हो, तो थंबनेल कुछ ऐसा कैची होना चाहिए कि आपका क्लिक करने का मन कर जाए। जैसे कोई कोई लोग लिखते हैं 3 reasons why you should not buy iPhone, तो आपका मन कर जाएगा जानने का कि अरे भाई ऐसे कौन से 3 reason है जिसको नहीं खरीदना है, बल्कि वो उसके अंदर बता आपको बेनिफिट्स रहा होगा, लेकिन वो आपको लिखेगा कैची लाइन। तो इसे गुड प्रैक्टिस में काउंट किया जाता है, तब तक जब तक कि आप झूठ के पूरे उस सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर रहे हो, तब तक जब तक कि आप क्लिक बेट्स नहीं क्रिएट कर रहे हो, मतलब कि दिखाया कुछ और है और बता कुछ और रहे हो, दिखा रहे हो आप पैसा कैसे कमाना चाहिए और वीडियो में बता रहे हो कि कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, उसे हम बोलते हैं झूठ। तो ये जो है ये सब मार्केटिंग का फंडा है, आपको खुद को बेचना आना चाहिए। अगर आपको मेरे पास जॉब लेनी है ना, तो आपको खुद को सेल करना है कि मैं आपको क्यों रखूं। उसके लिए आपको ऐसे बोलना पड़ता है कि हाँ ठीक है 50%, 60%, 70%। एंड ट्रस्ट मी, पढ़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी फील्ड के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गूगल भी, एप्पल भी और अमेजोन भी जो है अब डिग्री नहीं देखती। अगर आप जाके स्टेटिस्टिक्स चेक करोगे तो अब वो डिग्री नहीं देखती। पहले का एक टाइम था जब डिग्री से जज किया जाता था, लेकिन आज की डेट में कंपनियों को पता है कि डिग्री इतनी कॉमन हो गई है, या तो कोई खरीद के बनवा लेता है, या कोई चिटिंग से बनवा लेता है, या कोई बस ऐसे ही पास होकर बनवा लेता है, या कोई कॉलेज वाले को पैसा देके बनवा लेता है। और डिग्री से वो खुद नहीं डिफाइन कर पाते कि ये बच्चा तेज है या कमजोर है। अगर डिग्री से पता कर पाते तो कभी इंटरव्यू लिया ही नहीं जाता। अगर मार्क्स से जज किया जा सकता था तो कभी इंटरव्यू नहीं लिया जाता, नहीं। लेकिन बस एक पैरामीटर्स होता है कि आपको इतने मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू लेंगे। लेकिन आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, AEC इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ, COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वो भी सिर्फ आपका मोस्टली जो ध्यान है ना, ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो भी आपका मोस्टली जो ध्यान है ना, वो सिर्फ तभी तक रखती है जब तक आप स्टूडेंट हो। उसके बाद वो भी आपको कहीं ना कहीं धुंधली होती हुई दिख जाती है। COA का रूल आपको धुंधला होता हुआ दिख जाएगा। तो ये जितने भी हैं और भी हैं, रेरा है, रेरा भी एक एजुकेशन बॉडी में नहीं आती, एग्जामिनेशन बॉडी में नहीं आती, लेकिन ये भी है कि आपको बिल्डिंग के खरीदते वक्त इनका ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपके साथ अगर आप देखोगे तो कई बार इलीगल ज़मीन को भी आपको बेच दिया जाता है। ये सब टैक्टिस होते हैं, ये सब चीटिंग है, इनसे बच के रेदर देन थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, इसे हम गुड प्रैक्टिस में इंक्लूड किया जाता है। इसमें मैं नहीं होता कोई भी कि जो इंक्लूड करूंगा, ऐसा इंडस्ट्री में है, वो मैं आपको इंडस्ट्री की इंसाइट्स बता रहा हूँ। ऐसा ब्रांड करती है, ब्रांड का एग्जांपल आपको लेके बता दिया, ऐसे जितने भी ब्रांड हैं वो सब यही करते हैं। चाहे आप च्यवनप्राश ले लीजिए, चाहे आप मल्टीवीट ग्रेन आटा ले लीजिए, कोई भी चीज़ लेंगे उसमें ये जो लिखा रहता है वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। और इसी को हल्का सा मैनिपुलेशन कहा जाता है, हल्का सा ट्विक करके हल्का सा बताया जाए ताकि थोड़ा देखने में मजा आए। तो वही चीज़ है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों से अपनी वैल्यू मत पूछिए जिन्होंने सिर्फ दूध की मलाई ऊपर की खाई है, नीचे की कभी खाई नहीं या कभी मज़ा चखा नहीं। आप उनसे पूछिए जो नीचे से होके आए हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को कैटर किया है कि अगर आप फेल भी हो गए हैं, डोंट बी अपसेट, जस्ट स्टैंड अप अगेन, रीअपियर द एग्जाम,
गिव द एग्जाम, पास द एग्जाम, डेट्स इट। इतनी बेसिक इंग्लिश में सारा काम निकल गया, अब क्या चाहिए आपको। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको मजा आया होगा सुनने के और जानने में भी। लोग सीवी को भी मैनुपुलेट करते हैं हल्का सा, रिज्यूमे को भी करते हैं, और कई बार अपने आप को भी थोड़ा सा मैनुपुलेट करते हैं। कई बार आपसे इंटरव्यू के टाइम में पूछा जाएगा आपको 3D बनाना आता है, और आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप बोल दोगे हाँ बेसिक्स तो आते हैं। फिर आप क्या करोगे, वो आपको जॉब दे देगा, आप रात को घर पे जाओगे और जल्दी से जाके थोड़ा सा सीख लोगे बेसिक्स। बस ऐसे ही वर्क होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रैक्टिकल लाइफ में पत्थर की लकीर नहीं होती, बोल दिया फेल हो गए तो मतलब टैग लग गया फेल और आप कोई काम नहीं मिलेगा। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कब तक डर के काम चलेगा। पढ़ाई कोई नहीं होता जो ये आपको जज करके बताए कि आप कितने कैपेबल हैं, ये आप ही हैं जो जज करके बताएंगे कि आप कितने कैपेबल हैं। पढ़ाई इज़ जस्ट अ वे। दुनिया में आके अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर आप मर जाओगे ना तो आप नहीं पढ़ोगे, इसकी गारंटी है। इसलिए डोंट बी डिप्रेस्ड, मस्त रहो, बिंदास रहो, आराम से। कोई एक साल बढ़ भी जाए, दो साल बढ़ भी जाए तो भी चिल मारो। कमाने के तरीके, अगर आपके घर के अंदर पैसे की प्रॉब्लम है तो कमाने के तरीके ढूंढो, पढ़ने के तरीके मत ढूंढो, और पास होने के तरीके मत ढूंढो। टेंशन मत लो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कमाने के तरीके ढूंढो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो। अगर रीअपियर करना है एग्ज़ाम, जाओ आराम से फीस भरो, रीअपियर करो और खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी लोगों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल मारिए। मैं भी आज यहाँ तक, ये जो यूट्यूब पे आप प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो, और आज बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ वो, मैं भी आज ऐसे ही पहुँचा हूँ, और आज मैं प्राउड फील करता हूँ, और आज मैं 10 लोगों को नॉलेज लेने की हिम्मत रखता हूँ, देने की हिम्मत रखता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने 10 जगह की मलाई चखी है। इसीलिए जिन्होंने सिर्फ ऊपर की मलाई चखी है वो नॉलेज नहीं दे सकते, कि एक बार आप दूध में उंगली डुबा लोगे तो नीचे क्या मिलेगा, वो उसकी नॉलेज नहीं दे सकते। वो सिर्फ वो बता सकता है जिसने मलाई नीचे की चखी है, वो आपको बताएगा कि नीचे भी मलाई होती है जब दूध में आप उंगली डुबाते हो तो। सो आई होप सो कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिली होगी, और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, एक रियल इंसाइट्स मिले होंगे कि कैसे आप थोड़ा बहुत मैनुपुलेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत काम निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। और दुनिया ऐसे ही चलती है गाइस, पत्थर की लकीर कुछ नहीं होती। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई डिप्रेशन है, कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक, मस्त रहो, चिल रहो, पढ़ाई से अपने आप को जज मत करो। और जो मैंने लाइफ में गलती की है वो भी अगर आप सेम रिपीट करोगे तो भी चलेगा, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लाइफ को जीने का कोई भी एक तरीका नहीं है, कोई भी एक फंडा नहीं है कि कोई आपको ये आके ये बोल दे कि हाँ एक यही ही तरीका है पढ़ाई करने का, एक यही ही तरीका है ज़िंदगी में पैसा कमाने का, और एक यही ही तरीका है अमीर बनने का। ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है। मरने के भी 1000 तरीके हैं तो जीने के भी 1000 ही तरीके हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो और कितना कैपेबल समझते हो। सो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी नॉलेज के साथ। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है या अगर आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली है तो एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, ताकि मेरे को समझ में आए कि मैंने सही लोगों तक सही मैसेज पहुँचाया था। थैंक यू।